ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला के लगभग 328 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में जो है जगन्नाथपुर मेला इलाके में जो है बाजार पूरी तरह से सज रहे हैं, क्योंकि मेले में लाखों लोग आते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के जो बाजार हैं वो बाजार सज रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फूल माला और जो पूजन सामग्री का जो बाजार है वो लग गया है। लेकिन मेले में खास होता है मिठाइयों का बाजार, तो हम आपको दिखाते हैं कि मिठाइयों के बाजार में क्या तैयारियां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर सामने जो आप देख रहे हैं ये जगन्नाथपुर मेला का है और यहाँ एक खास आकर्षण होता है मिठाइयाँ। तो इस मिठाइयों की क्या खासियत है, लोग कहाँ से आते हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो मिठाई हैं वो यहाँ बनाए जा रहे हैं और इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। यहाँ पहले हम थोड़ा यहाँ दिखा दें, देखिए जो मिठाइयाँ यहाँ बन रही हैं, गरम गरम बनाया जा रहा है और ये जो है लगातार इसी तरह का जो सिलसिला है बनाने का वो चलता रहेगा। कितने साल से यहाँ आ रहे हैं, कितना बरस हो गया? हम लोग आए कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल? 10 साल हो गया। क्या क्या मिठाई बनाते हैं? यही सब बनाते हैं। नाम बताइए, क्या क्या मिठाई है? गोजा बालूसा है, शकरकला है। यहाँ मेला में कितना साल हो गया? हो गया बहुत दिन हो गया, 20-15 साल हो गया। 20 साल? हाँ। तो कितना बिक्री होता है इस सब मिठाई का? मिठाई का बिक्री होता है? होता है। कौन कौन मिठाई है? वो गोजा है, बालूसा है, लड्डू है, शकरकला है। इस तरह के जो स्टॉल है पूरे मेला में जो है, ये देखिए, ये गाजा है, बालूशाही है, ये इसे क्या कहते हैं, शकरतल्ला, ये शकरतल्ला है, लड्डू है। तो इन मिठाइयों की मांग जो है मेले के समय में काफ़ी रहती है और लोग काफ़ी खरीदारी करते हैं। तो इस तरह से हम जरूर कहेंगे कि जगन्नाथपुर का जो मेला है और यहाँ कई राज्यों से लोग यहाँ मेला घूमने आते हैं और इस मेले में इसके अलावे जो है कई जो झारखंड की संस्कृति से जुड़ी जो सामान हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो यहाँ मिलते हैं। न्यूज़ 11 के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।